जिनको भी काम करना है रोशन के साथ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करना, क्योंकि अब लेवल जो है बढ़ाना है और सबका। इनका कहना खुलेआम जो है, अगर आप काम करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैसेज करो और इनके साथ जुड़ो, अपना ही झंझारपुर का लड़का आपको तो भाई जो बहना आजकल क्या हो रहा है भाई? इलेक्शन हो रहा है ना, आजकल क्या हो रहा है? आजकल हम देखते हैं कि सड़क पर लड़की सब चलती है, चलती है कि ना चलती है? चलती है कि ना चलती है? चलती है, लेकिन अब पेंट को मोड़ लेती है आपने रोशन को देखा होगा अभी बिहार का, जो तो बहुत ही हिट हुआ था वेब सीरीज मटका का ब्याह, इसमें इनका फूफा जी का रोल था और वो वीडियो जो है 100 मिलियन पार है, तो वो तो सभी तो देखा ही होगा। तो इनसे वो डायलॉग बुलवाते हैं और स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी हम रोशन चंदू के पास हैं और उनके सारे टीम जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये रोशन चंदू का घर नहीं है, ये अलग सा एक ऑफिस बना है, जो हमारे कैमरामैन से बोलूंगा दिखाओ लाइट वगैरह सब। अभी मतलब ये लोग अभी तैयारी कर रहे हैं सेटअप करने के लिए, और इनका अभी शूट होना है, तो इसलिए सारे टीम बैठे हुए हैं और बस इनसे पूछते हैं कि कुछ अच्छा शूट होने वाला है, कैसा क्या है। शूट जो है 2 दिन के बाद शूटिंग चालू होगा, क्योंकि 1-2 दिन तो टाइम लगेगा, नहीं होता है मैनेज करने में, आदमी इकट्ठा करने में, आर्टिस्ट सब इकट्ठा करने में 2 दिन के बाद होगा शूट, और 5 या 6 दिन में, 5 दिन में समझिए ना आ जाएगा वो वाला वीडियो। तो वीडियो कुछ अलग टाइप का है, मतलब ज्यादा इतना टीम दिख रहा है तो इसका मतलब है कुछ अलग सा हो रहा है, मतलब एकदम अलग सा होने वाला है, जैसे बॉलीवुड में होता है। अब मतलब कोशिश तो हम ऐसा करेंगे, और यहाँ पे कुछ लोग ही दिख रहे हैं, अब कुछ लोग नए नए दिख रहे हैं, 2 चेहरे जो इनके साथ अभी फिलहाल में जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम पूछते हैं, नाम बताइए और कहाँ से कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए आप। जी, मेरा नाम इंद्रजीत हुआ, मैं मधुबनी जिला के जयनगर से हूँ, और 1 महीने पहले हम कांटेक्ट किए थे चंदू भैया से, वही हमें बुलाया और कुछ बातचीत किए, उसके बाद टीम में ज्वाइन हुए, रिहर्सल किए, फिर टीम में हमको लिया गया, और तब से अभी रह रहे, 1 महीना से रह रहे भैया के साथ, और नेक्स्ट एक मतलब शॉर्ट वीडियो समझ सकते हैं, 10-15 मिनट का शूट हो चुका है, अभी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसी में सब लगे हुए हैं। गर्ल आर्टिस्ट है, फिर लेडी टाइप का भी आर्टिस्ट है, उसके बाद गाड़ी वाड़ी का सीन सब रहेगा, 4 चक्का सब, उसका मतलब मैनेज करना पड़ेगा, मतलब खर्चा है इस वीडियो में। हाँ, नहीं खर्चा तो है दवा के। तो उसके बाद आर्टिस्ट जो है मुजफ्फरपुर या पटना यहीं से आएगी, अगर लोकल में मिल जाती है, अगर आप लोग हमारे झंझारपुर या मधुबनी से हैं आर्टिस्ट, गर्ल आर्टिस्ट चाहिए, गर्ल में, अगर गर्ल में अगर देख रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बोल दूं इस तरह, जिनको भी काम करना है रोशन के साथ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करना, और क्योंकि अब लेवल जो है बढ़ाना है और इनका कहना खुलेआम जो है, अगर आप काम करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैसेज करो और इनके साथ जुड़ो, अपना ही झंझारपुर का लड़का आपको तो पता ही है, तो ये बढ़िया ऑफर है आप सभी के लिए। आप बैठ जाइए, कोई नहीं, आदमी है। हाँ, तो तुम्हारे के लिए किधर है? सौरभ जी को तो आप लोग जानते होंगे, हर एक वीडियो में इन लोगों का वह सार तो नहीं कहेंगे, मोगिया दोनों भैया, मोगिया तो कौन कौन, एक मोगिया तो एक सौरभ मोगिया और एक मतलब पूरा मिलियन में गया इंस्टाग्राम लाइव में थे, तो उसमें डिमांड था कि मोगिया वाला एगो डायलॉग बोल के दिखाइए, तो मेरे को लगता है आज भी डिमांड है, फिर हो जाए एक बार। रितेश भी सोचता हुआ साला किसके साथ काम कर रहा है, सब एक्टर है ना, ये लोग खुद ही कर लेंगे, हमारा कोई काम नहीं, हम देखेंगे। ये वाला है भगवान लड़का में जन्म दिया है, आए है, तो आज नहीं कल तो कमेवे करेंगे, क्या बात है, भगवान मर्द में जन्म दिया है तो आज नहीं कल तो कमेवे करेंगे, आधा उम्र बीत गया तो क्या हुआ मेरे यार, फिर भी 2-4 गो लड़की पटेवे करेंगे। देखो लाइन हो जाए, ऐसा ही कुछ कुछ छोटा छोटा रहता है कंटेंट, जो हम लोग अच्छा लगता है, पूरा सोचने में लग जाता है। हाँ, ये चीज है कि आदमी जो सुनता है देखता है उसमें मेहनत लगता है, और ये जो इनका डायलॉग है सार दुनु है मोगिया जितने, ये बहुत वायरल है, मतलब बहुत लोग जो है हमारे जैसे हमारे एज के मुंह में ही रहता है अभी गांव घर में, अपने गांव घर में, तो
तो पहले ये सुनने को मिलता था कि अगर कोई लड़का सब कोचिंग में पढ़ता है तो अपने ये सुनने को मिलता था कि गाँव घर में लोकल जो हमारे जैसे है ये वही जो है मतलब इसी डायलॉग को बोलता रहता है शुरुआत में, अभी भी याद है सबको और वीडियो देखने के बाद फिर से याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो शादीवादी का क्या चक्कर है, दोनों आदमी हम दोनों से सीनियर करके भी देख सकते हैं, किसके पास गर्लफ्रेंड है, कितना है और कब शादी कर रहे हो? गर्लफ्रेंड सब तो पर्सनली मेरा नहीं है, दोस्त में बहुत हैं, आप जैसे दोस्त हैं उसी तरह दोस्त बहुत हैं। मेरा भी सेम कंडीशन है, इन दोनों का हम बात नहीं कर सकते हैं, इन दोनों का ये क्या बात रितेश का है नहीं, बोल रहे हैं नहीं है, तो अगर है तो आप ब्रेकअप कर सकते हैं और हमसे कनेक्शन से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डायलॉग आप लोग दिल पे ले रहे हो, नहीं नहीं कोई यहां सार तुम्हें नहीं हो गया ना, काले बातें तो ले लो, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सिस्टम तो सही है, हां सिस्टम तो सब सही है, बराबर सब सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए देखिए ये भी हम कहना चाहेंगे, जैसे आप रील बनाते हैं गाना, आप कोई खतरनाक डायलॉग पे रील बनाते हैं, मुंह चलाते हैं, तो आप लिख देते हैं कैप्शन में एक्टर है और आप खतरनाक डायलॉग पे मुंह चला के तो बना देते हैं, अब लेकिन जैसा डायलॉग है खतरनाक, लेकिन आप मुंह चला के आप एक्टिंग तैक्टिंग एकदम खतरनाक लेते हैं, अगर आप वैसा बोल ही नहीं पाएंगे तो कैसा एक्टर है? बिल्कुल ये भी सही बात है, वैसा एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, वैसा निकलना चाहिए, चेहरे पर लगना चाहिए, जैसे रो रहा है तो रो रहा है, जैसे शाहरुख खान का है ना कि कुर्सी की पेटी बांध कर रखी मौसम बिगड़ने वाला है, तो उसी डायलॉग पे अगर आप बनाएगा तो खतरनाक बजे मुंह चलेगा, हाँ 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 सही, तब लगा यार आज आप कहेंगे हाँ बोलिए था, तब बोलिएगा कुर्सी की पेटी बांध के रखिए मौसम बिगड़े, एक्टर है तो डायलॉग बोलना भी मतलब ये नहीं कर रहे हमको आता है कहने का, मतलब कोशिश करिए और उस टाइप का बनिए दोनों जगह से, एक्टिंग से भी और डायलॉग से भी, सही है, हम यही कोशिश कर रहे हैं, पहले बार बोल के दिखा देते हैं, ये तो हमारा इज्जत कम हो रहा है, हम अपने आप को सब कुछ बोल रहे हैं, मतलब इंटरव्यू कुछ अलग ही हो रहा है, सही है, चलेगा इज्जत है नहीं कोई बात, चलता है सही है, सही है, जैसे है ना कुर्सी की पेटी बांध के रखिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, मतलब इस टाइप का एकदम बोलिए, मोदी वाला भी हो जाए एक बार मोदी वाला जो मोदी वाला, कोशिश कर सकते हैं अगर नहीं होता तो करिए ना, कोशिश पर तो सब है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बोलेंगे, अच्छा हाँ ये साथ हम लोग कर रहे हैं सुनने के लिए, चलिए ना मदरा भाई बहना आजकल क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है आजकल हम देखते हैं कि सड़क पर लड़की सब चलती है, चलती है कि ना चलती है, चलती है कि ना चलती है, चलती है लेकिन अब पेंट को मोड़ लेती है मार के मोड़ लेती है और उसके बाद अपने कान में फोन आता है कि ना उसके कान में आता है, लेकिन घर के लोगों को पता चलता है बेटी पढ़ने जा रही है लेकिन मगर पढ़ने नहीं जाती है, ये गलत बात है कि नहीं, फ्रूटी पीने जाती है, चलिए एक बार मार लगा लीजिए मगर बोलिए भारत माता है, भारत माता है, अब यही डायलॉग बन रहे गाने वाला है कुत्ता का वाली नहीं मोदी वाला मैच करता है भाई, लगता है आप जीत जाएंगे इस बार मोदी जी के बाद, अब खुद ही मोदी जी ये उनका अथी चाहने वाले हैं तो उनका ही आवाज निकालो, उनको चाहे करेंगे तो हमने मोदी जी से पूछा है, मोदी वाला निकाल लिया जीतने पे, मेरे परिवार जन इस बार जो चुनाव हुआ है ये इसमें कौन जीतेगा भाई, मैंने पता कौन जीतेगा, मोदी यानी मैं, यानी मैं अमरेंद्र बाहुबली, हाँ जी सजेशन लेना चाहिए सबका, जैसे रितेश है, रितेश भाई और एक और लड़का था ठीक है, तो कुछ ऐसे गलत हो गया तो ई उ लड़का को बोला अरे विश्वकर्मा छू के कही था, तो वो लड़का इधर दिखाई इधर दिखाई, रितेश बोला विश्वकर्मा छू के बताई था, ये लड़का जो है इसको विश्वकर्मा छू के कही छो हमने ले लियो,
तो प्लास्टिक छू लिया सब कंटेंट मिलता है कहीं से मिलेगा नहीं, आप आस पड़ोस में कुछ बातचीत होगा तभी जाके ऐसा कंटेंट मिल सकता है, नहीं तो आप सोचते रह जाएगा नहीं मिलेगा। इसीलिए माहौल में रहिए, कहीं जाते हैं तो सिर्फ जाइए नहीं, वहां से कुछ सीखिए। तो आपने रोशन को देखा होगा अभी बिहार का जो तो बहुत ही हिट हुआ था वेब सीरीज मटका का ब्याह, इसमें इनका फूफा जी का रोल था और वो वीडियो जो है 100 मिलियन पार है, तो वो तो सभी तो देखा ही होगा। तो इनसे वो डायलॉग बुलवाते हैं और कैसा मतलब लगा काम करके, अमित परिमार श्रवण कश्यप वगैरह जो जो भी था, कैसा लगा काम करके, कैसा डायलॉग था ये बिना स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो एक बार में नहीं रिस्पॉन्स देता है, फिर दूसरा तब जोर से बोलते स्वागत नहीं करोगे हमारा। और तो काम करके कैसा लगा कि उन लोगों के साथ, अमित परिमार के साथ, उनकी टीम के साथ कैसा मजा आया, मजा आया काम करने में? एकदम मतलब बहुत खुशी मिला है, ताकि नए नए लोगों से मतलब जुड़े, 3 साल पहले से वैसे बात हो रहा था तो फिर मतलब जुड़े, बहुत कुछ सीखे। उसके बाद जो है बहुत थिएटर आर्टिस्ट भी वहाँ पे आए थे पटना से, तो उनसे भी कुछ सीखे, बैठा के सीखा है, तो बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखे भी, बहुत कुछ सीखे। और चलिए अब जो है खत्म ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इन लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और इनका इंटरव्यू, इनके बारे में और भी जानना हो तो और भी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे मेरे। और बस यही कहेंगे आप सभी का धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो हमारा चाहते हैं, चाहने वाले हैं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो मार लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मार लीजिएगा, जिला मधुबनी करके चैनल है और हमारे चैनल को भी मार लीजिएगा सब्सक्राइब। सौरभ जी से कुछ सुनिए ना, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा की। हाँ नहीं ठीक है, ये बात का है लास्ट वाला है, कुछ करना है तो कर दिया, बड़ा मजा आया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद।